शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, विशाल पटेल के साथ खबर सनसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ले चलते हैं आपको ताजा तरीन खबरों की ओर। फिरोजाबाद में अपराधियों का बोलबाला होता दिखाई पड़ रहा है। एक आरएस कर्ता को गोली मार दी गई जिसको गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे आगरा रेफर किया गया है। संघ पर हमले की यह 3 दिन से दूसरी वारदात है। घटना को लेकर संघ नेता भयभीत है। पुलिस ने केस दर्ज कर हमला भारी को तलाश शुरू कर दिया। घटना के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। यह मामला फिरोजाबाद के घटना मरसेना के गांव कनेटा गांव का है, जहां आर्य संघ के नेता धर्म जागरण प्रमुख ब्रजेश शर्मा को कुछ हमलावरों ने जानलेवा हमला करते हुए गोली मार दी, जिससे आरएस के नेता ब्रजेश शर्मा के कंधे में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए आगरा रेफर किया गया। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस फोर्स और आरएस संघ से जुड़े नेता पहुंच गए। बताया जाता है कि ब्रजेश शर्मा अपने भाई के साथ अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। गांव के पास हाईवे पर 4 हमलावर आए और हमला बोल दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। जी शर्मा, हर तरह का मामला था, क्या है ये एक आरएसएस नेता की गोली मारी है? देखिए, आज एक बार फिर से बहुत दुखद वारदात हुई है हमारे फिरोजाबाद शहर में, ग्राम कटैना के पास, हमारे स्वयंसेवक कनेटा के पास स्वयंसेवक ब्रजेश शर्मा जी के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके ऊपर गोली दागी, बस उनको मतलब धारदार हथियारों से उनके ऊपर प्रहार किया, लेकिन भगवान की कृपा से आज वो सुरक्षित है और उनको अभी आगरा रेफर किया गया है। हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य की और जल्दी से वो ठीक हो जाए इसकी कामना करते हैं। मैडम, जिस तरह से देखा जा रहा है फरियाद में, ये दूसरी बात आता है संघ नेता पर जो हमला होने के, क्या मानती हैं इसे फरियादी कानून व्यवस्था को? देखिए, जो भी दोषी है उनको मैं चाहूंगी, मैं बात करूंगी खुद डीएम एसएसपी से कि इस बारे में कठोर से कठोर कार्यवाही करें और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। थैंक यू। ये अपनी दुकान से घर पे जा रहे थे तो गांव में ही पहुंचते ही इनके ऊपर जो है 4 लड़कों ने अटैक किया है और इनके जेब में दुकान के पैसे भी थे वो भी लूट ले गए। इनके ऊपर गोली चलाई है, इनके फिर गोली से ये गिर गए, उसके बाद चाकुओं से बार किया है। तो गांव के कुछ लोगों ने वहां शोर किया है, तब वो अपने भाग गए। क्या लगता है ऐसा क्यों गोली चल रही है? अभी 4 दिन पहले भी आपका एक साथी मारा गया इसी में, अब ये फिर हमला हुआ है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार गुंडों के हौसले बढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये आरएसएस के किस पद पर थे? आरएसएस के विभाग के सह विभाग धर्म जागरण प्रमुख थे, जुड़े हुए हैं और गांव में बच्चों को जाने के पीछा उछा करने पे कुछ टोका टिकी पे थोड़ा सा इनका विवाद था। उन लोगों ने इनके बाएं हाथ में फायर आर्म इंजरी की है और सर में लेसरेटेड वुंड और एक इनसाइड वुंड है, आउट ऑफ डेंजर है। चारों व्यक्तियों का नाम पता चल गया है, अब शीघ्र ही दबिश करा रहे हैं, शीघ्र इनको